अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में आप सभी को पावरफुल और कमाल की अमल बताने वाला हूँ, जिस अमल से आप लोगों के पास बेशुमार दौलतें आएंगी, इतनी रिस्क आएंगी, इतने पैसे आएंगे, अल्लाह इतना जरिया बना देगा आपको रिस्क का, जिसका अंदाज़ा आप खुद भी ना लगा सकते। बशर्ते कि याद रखें, कोई भी अमल करेंगे सिर्फ दिल से करेंगे, यानी अच्छी नीयत से करेंगे, अल्लाह उस नीयत में कामयाबी आपको देगा। आज का वजीफा दौलत के लिए खास वजीफा है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कमेंट कर बोल रहे थे कि सरफराज भाई, मैं दौलतों कर्ज के में इतना गिरफ्त हो चुका हूँ, इतना मुफ्तला हो चुका हूँ, जिससे उभरना बड़ी मुश्किल है। आप अगर शायद मेरे लिए कोई अमल ऐसा बताएं जिससे मेरे घरों में रिस्क यानी दौलत आने लगे, तो मैं उन लोगों का कर्ज की भी अदायगी कर दूँ। नाज़रीन, ऐसा दौर है ना कि लोग मजबूर हो जाते हैं, जब रास्ता कोई नज़र नहीं आता ना पैसे आने का, या रिस्क ना आने का, या बरकत ना आने का, तो वो थक हार कर, यानी अपनी ज़िंदगी से थक हार कर बैठने की कोशिश करते हैं। बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे लोग अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुरान नी अमल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। छोटा सा अमल है लेकिन बहुत ही पावरफुल और कमाल का अमल है, लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में करते हैं और इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं। आपके भी इंशाल्लाह इतने फ़वाद होंगे जिसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक और गुजारिश है आपसे कि मैं रोज़ाना इस्लामिक जिक्र पर आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपका फ़ायदा हो तो मुझे भी सवाब में शामिल होने का एक मौका मिलता है कि अगर आप अमल करते हैं तो मुझे सवाब का मुस्तहिक हम भी बन जाते हैं, और आप तो है ही हैं। तो आप मेरा सपोर्ट किया करें, यानी जिससे मैं आगे बढ़ूँ, तो आपकी हमेशा हमेशा खिदमत करता रहूँ। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। नाज़रीन, इस दौर में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख दर्द छिपा कर रखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना दुख दर्द किसी को बताते हैं इस उम्मीद से कि शायद वो उन मेरे लिए या उनके लिए दुआ करें तो उनकी परेशानियां दूर हो जाए। तो यकीन मानिए, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता भी हूं और दुआ करवाता भी हूं कि अल्लाह ऐसे लोगों की परेशानियों मुसीबतों को दूर करें और उनके तमाम नेक मकासिद को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन कुछ चीज़ें होती है वजीफे के जरिए भी हासिल कर लिया जाता। यह वजीफा कुरानी अमल है, बहुत ही पावरफुल और ताकतवर अमल है। ये अमल करने के लिए आपको पाको साफ रहना बेहद ज़रूरी है, और ये अमल फजर की नमाज के बाद ही आपको करनी है। जब आपको फजर की नमाज आप पढ़ लेनी है, पहले फजर की नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद आपने जहाँ पर बैठे हैं बगैर नमाज पढ़े यह वजीफा को ना करें। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, वजीफा करना कोई फ़र्ज नहीं है। अलबत्ता वजीफे के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी आपको, तो जब अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी तो आप बहुत आपकी ज़बान में तासीर हो जाएगी। तो करना है कि फजर की नमाज के बाद आपको पढ़नी है, जहाँ पर आपने नमाज पढ़ी वहीं पर आपको बैठे रह जाना है। शुरू और आखिर में आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कम से कम 141 दफ़ा, शुरू में भी दुरूद शरीफ और आखिर में भी दुरूद शरीफ। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़े, जो नमाज में पढ़ा करते हैं वो आपको याद ही होगा। उसके बाद आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इखलास को जानते होंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को 1001 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद फिर 141 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का दो नाम 1001 मरतबा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़ाको या गनीयो, या रज़ाको या गनीयो, या रज़ाको या गनीयो। बहुत ही मुख्तसर टाइम आपका लगेगा, कम टाइम लगेगा, लेकिन 1001 मरतबा पढ़ के फिर 141 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के। याद रखिए, जब ये अमल करें तो दिल में पहले से नियत दौलत की हो, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इतनी जल्द ये अमल के ज़रिए इतनी जल्द आपके घरों में रिस्क बेशुमार भेजेगा, दौलत इतनी बेशुमार भेजेगा जो अपने ज़िंदगी में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतने घर में रिस्क का ज़रिया बन सकता है। अल्लाह आपके हर नेक मकासिद को पूरा करेगा, मकसद में कामयाबी देगा, ज़िंदगी और किस्मत को तरक्की का रास्ता
दिखा देगा इस अमल को अगर लगातार 41 दिनों तक करते हैं तो। ये बहुत ही पावरफुल और कमाल का अमल है, तो इस अमल को ज़रूर करें और अपने भाइयों और अपने बहनों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई अगर ये अमल करता है तो अगर उसका फ़ायदा होता है तो आप भी इस नेकी में शामिल हो जा रहे हैं। नमाज़ पढ़े, नमाज़ की दावत दें और नेकी में शामिल हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।